फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ कोल्ड सैंडविच। बाजार में काफ़ी महंगा मिलता है और आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमने कटा हुआ पत्ता गोभी ले लिया है, शिमला मिर्च और गाजर ले लेंगे, थोड़ा सा प्याज और धनिया की पत्ती डाल देंगे और ये थाउजेंड आइलैंड की ड्रेसिंग एक चम्मच और एक चम्मच भर करके मेयोनीज डाल देंगे, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, चिली फ्लेक्स और हल्का सा नमक डालेंगे और इसमें हम एक से दो चम्मच सॉस डालेंगे, टोमेटो केचप, और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी कोल्ड सैंडविच की स्टफिंग बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं ब्रेड ले लेती हूँ। ब्रेड की साइड को मैंने कट कर लिया है इस तरीके से और इसके ऊपर हम बटर लगाएंगे, तो आप बटर ज़रूर लगाएं जिससे ब्रेड सौगी नहीं होगा। तो दोनों ब्रेड या चारों ब्रेड में आप लगा लें बटर और बस इसमें स्टफिंग को अच्छे से फिल करें, थोड़ा मोटा मोटा ही आप फिल करें इस तरीके से और अच्छे से फैला दें। उसके बाद आप दूसरे वाले ब्रेड को इसके ऊपर इस तरीके से कवर कर दें और हल्के हाथों से दबा दें और आप चाहें तो इसका चार पीस कर लें या दो भाग में कट कर लें जिससे खाने में काफ़ी आसानी होती है। अब मैं प्लेटिंग करूँगी। प्लेट के ऊपर मैंने थोड़ा सा पत्ता गोभी और गाजर डाल दिया है और ये कोल्ड सैंडविच को इस तरीके से मैं डेकोरेट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा लगता है। यदि आपके घर में कोई पार्टी सार्टी हो तो आप इस तरीके से बना करके बच्चों को दे सकते हैं और ये नुकसान भी नहीं करता है और आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी क्लिंग रैप लगा करके दो दिन के लिए रख भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप भी अपने घर पर कोई भी फंक्शन वगैरह हो तो इस तरीके से बना सकते हैं और नहीं तो यूं ही बना करके खा सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती हो, अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।